परिवहन निगम में चली आ रही चालकों की कमी को दूर करने के लिए गुरुवार और शुक्रवार को आगरा फोर्ट पर लगे चालक रोजगार मेला में 300 चालकों की भर्ती की जाएगी। शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होने के साथ 2 साल पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ISBT पर कई ARM की देखरेख में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। परिवहन निगम में चली आ रही चालकों की कमी जल्द ही दूर होने जा रही है। आगरा परिक्षेत्र में 300 चालकों की भर्ती की जा रही है। गुरुवार और शुक्रवार को आगरा फोर्ट पर लगे चालक रोजगार मेले में चालकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रीजन के कई ARM की देखरेख में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ARM फोर्ट RS चौधरी का कहना है कि चालक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 2 साल पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, कम से कम 23 साल, 6 माह की आयु और 5 फीट 3 इंच लंबाई होना आवश्यक है। देखिए, महाकुंभ मेला में तीर्थ और स्थान पर श्रद्धालुओं को पहुँचाने हेतु आगरा क्षेत्र से 300 चालकों की भर्ती का निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें आज रोजगार मेला का आयोजन फोर्ट डिपो में किया गया है, जिसकी प्रक्रिया चालू है। चालक भर्ती के लिए सैकड़ों आवेदन आए हैं, लेकिन 300 चालकों की भर्ती की जा रही है। भर्ती होने के बाद रोडवेज बसों की स्टेयरिंग सौंप दी जाएगी। चालकों को 1.89 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिमाह लगातार 22 दिन ड्यूटी करने और 5000 किलोमीटर बस चलाने पर 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। हमारे यहाँ 300 चालकों की भर्ती का प्लान है और इस समय वर्तमान जितने आए हैं उनकी लिस्ट तैयार होकर जो मापदंड हैं उनको पूर्ण कराकर कार्रवाई गतिशील है। ये 28 और 29 नवंबर तक चलेगी। क्या मापदंड रखे हैं इसमें, क्या-क्या? इसमें जो चालक आएंगे उनकी जो अर्हता है, लंबाई 5 फुट 3 इंच, 2 साल पुराना लाइसेंस और उसकी योग्यता कक्षा 8 पास से ऊपर। जैसा कि आज मैं देखने को मिल रहा है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में चालक भर्ती हेतु अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि अधिक से अधिक भर्ती हो जाएगी। ISBT ARM ऑफिस में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पहले दिन गुरुवार को रोडवेज बस चालक भर्ती के लिए भीड़ पहुंच गई। कार्यालय में एक एक अभ्यर्थी को बुलाकर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आयु प्रमाण पत्र देकर मापतौल की गई। भर्ती प्रक्रिया गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। शुक्रवार को ही चालक भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।